Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Mam Vidvishavahe Om Shanti 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 Samasta Jana Kalyane निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं हरि ओम। परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी स्वात्मानंद जी और युवक पालकों का मैं स्वागत करती हूँ। आज का विषय है सफलता के लिए आध्यात्मिकता। यह विषय विशेष करके युवक के पालकों के लिए है। युवक वर्ग करीबन 13 से 28 साल तक। आज के प्रवचनकार है परम पूज्य स्वामी स्वात्मानंद जी। उनका अल्प परिचय। परम पूज्य स्वामी स्वात्मानंद जी चिन्मय युवा केंद्र के बेहतरीन टीम लीडर है। वे चिन्मय मिशन मुंबई के आश्रम में कार्यरत है। स्वामी जी ने वेदांत की पढ़ाई चिन्मय सांदीपनी साधनालय पवई में सन 1998 से 2000 में पूरी की थी और तभी से वह मुंबई आश्रम में सेवा दे रहे हैं। स्वामी जी अद्वैत वेदांत के तत्वज्ञान के ऊपर भगवत गीता, उपनिषद और दूसरी पुस्तकों के ऊपर प्रवचन देते हैं। युवा वर्ग के लिए वेदांत और भक्ति, ध्यान वर्ग, इंटरैक्टिव सत्र, कैंप और अच्छे अच्छे विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। नाट्य, अभिनय, ट्रेकिंग, बाहरी निसर्ग से सीखना, संगीत, इनसे स्वामी जी युवा वर्ग को प्रेरित करते हैं। सब युवक उनसे बहुत प्रेम करते हैं और हर साल समर कैंप की और नए प्रेरित करने वाले विषयों की राह देखते हैं। यह यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम यह एक संस्कृति और राष्ट्र के ऊपर युवा पीढ़ी के लिए लीडरशिप प्रोग्राम है जो यह स्वामी जी लेते हैं। इसमें युवा 3 महीने स्वामी जी से सीखते हैं और 9 महीने अपने राष्ट्र के लिए सेवा करते हैं। अब तक 1000 युवा ने यह प्रोग्राम 12 बैच में पूर्ण किया है। वे हर हफ्ते भारत के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भगवत गीता के ऊपर प्रवचन देते हैं। चिन्मय प्रदीप यह एक पार्क मुंबई में स्वामी चिन्मयानंद जी के जीवन चरित्र आधारित पर बनाया हुआ है जिसमें स्वामी स्वात्मानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी जी ने नाट्य निर्देशन भी किया है। अदृश्य क्वेस्ट फॉर अनसीन यहाँ 2009 में लिखी और निर्देशन की है। जस्ट लाइक दैट यह नाट्य भगवत गीता के ऊपर आधारित 2015 में बनाई गई है। वे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। यूट्यूब पे चिन्मय शिवम और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्पॉटिफाई, एप्पल एंड गूगल पॉडकास्ट, आईट्यून्स और blogger.com पे उनके ब्लॉग्स हैं। अभी मैं स्वामी जी से विनती करती हूँ कि कृपया वहां अपना प्रवचन आरंभ करें। हरि ओम। हरिओम। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ब्रह्मचारी बद्रीश जी और आप सभी को हरिओम नमस्कार। आज का विषय आध्यात्मिकता, सफलता के लिए आध्यात्मिकता। ये जो विषय है इसमें कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये दो चीजें साथ में नहीं जाती है, कि आध्यात्मिकता और सफलता साथ में कैसे हो सकते हैं, क्योंकि यही लगता है कई बार कि आध्यात्मिकता से तो हम जीवन में पलायन कर जाएंगे, पलायनवाद है आध्यात्मिकता, जीवन में रुचि नहीं होगी, अनासक्त बन जाओ, कोई इच्छाएं मत रखो, कुछ संसार में प्राप्त नहीं करना है क्योंकि ये तो मिथ्या है। तो ऐसे सब धारणाएं हमारे मन में होती हैं और इसीलिए हमको ये लगता है कि आध्यात्मिकता सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, और अगर आध्यात्मिकता आवश्यक है तो हम रिटायरमेंट के बाद उसके बारे में सोचेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब आध्यात्मिकता का पालन करेंगे, कई बार ऐसा सोचते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम आध्यात्मिकता को केवल कुछ कर्मों तक सीमित रखते हैं। जैसे आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है, मंदिर जाना या घर में पूजा करना, घंटी बजाना, आरती करना, प्रसाद खाना, ये सब आध्यात्मिकता है। और इसीलिए हमको लगता है कि ये इन सब में मेरा विश्वास नहीं है, मुझे अपना काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, और इसके लिए मेरे पास इन सब के लिए कोई समय नहीं है। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी बहुत सुंदर एक वाक्य कहते थे, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ वे टू लुक एट सर्टन थिंग्स, इट इज अ सर्टन वे टू लुक एट ऑल थिंग्स। आध्यात्मिकता केवल कुछ चीजों तक हमें सीमित नहीं रखनी है जीवन में। आध्यात्मिकता एक दृष्टिकोण है, पूरे जीवन का दृष्टिकोण है, और जीवन में हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं और सुखी भी हो सकते हैं अगर हमारे जीवन में एक गहरी आध्यात्मिक नींव है। आज आप देखिए कई लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सफलता कुछ लोग ही प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन तनाव कितना बढ़ गया है, मानसिक बीमारियां कितनी बढ़ गई है, मेंटल हेल्थ इतना बड़ा चैलेंज हो चुका है, युवा वर्ग डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटीज में चला जाता है, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, सुसाइड, आत्महत्या तक का प्रयास कर लेते हैं और कई लोग कर भी लेते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इतना प्रेशर बढ़ चुका है जीवन में। तो जब प्रेशर बढ़ जाता है तो अगर हमारे मन में एक आंतरिक शक्ति नहीं है तो हम उस प्रेशर के अंडर बहुत सारी हानिकारक चीजें कर लेते हैं। एक छोटा बच्चा था 5 साल का, वो हमारे गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी के पास गया तो उसने कहा, स्वामी जी आई डोंट हैव पीस ऑफ माइंड। स्वामी जी ने उसको देख के कहा, माय डियर, व्हेन आई वाज 5 years old आई डिडंट नो आई हैव अ माइंड। हर छोटे बच्चे से लेकर युवकों से लेकर शिक्षक है या कोई गृहस्थ है या कोई काम कर रहा है, सबको तनाव इतना बढ़ चुका है। तो अगर हमें जीवन में जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करना है तो एक धैर्य चाहिए, एक मानसिक बल चाहिए, और उन चुनौतियों को पार करके सफलता प्राप्त करनी है तो आध्यात्मिक नींव बहुत जरूरी है। ये आध्यात्मिक नींव जो है उसी से मनोबल भी प्राप्त होता है। एक फाउंडेशन होना चाहिए, आध्यात्मिक फाउंडेशन जीवन में। इसीलिए उपनिषदों में यही कहा गया कि आत्मना विंदते वीर्यम, कि जो शक्ति होती है वो हमारे अंतरात्मा से हमें प्राप्त होती है, आध्यात्मिकता से हमें प्राप्त होती है। जैसे आज आप देखिए जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का तो कुछ क्योर है नहीं, हमें क्या बचा सकता है कोरोना वायरस के अगेंस्ट? हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति ही हमें बचा सकती है। वैक्सीन भी जो आ चुका है, वो वैक्सीन जब हम लेते हैं तो बॉडी को ट्रेन किया जाता है कि अगर ऐसे कीटाणु वायरस अगर हमारे शरीर में आ गए तो किस तरह उसका प्रतिकार करना चाहिए। तो एक आंतरिक शक्ति जो होती है शरीर में, तब हम जो बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया जब अटैक होता है उसका, तो हम उसको झेल सकते हैं, उससे हमारा शरीर लड़ सकता है और उसको सफलता से हम उससे बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह जीवन में बहुत चुनौतियां आती है। युवक के जीवन में खास करके बहुत सारी चुनौतियां होती है। एक तो उनकी शारीरिक चुनौतियां होती है क्योंकि हार्मोन्स बदलते हैं, शारीरिक बहुत सारे चेंजेस होते हैं शरीर में, तो शारीरिक चुनौतियां होती है। मानसिक चुनौतियां भी होती है, नई नई चीजों को ट्राई करने की उत्सुकता होती है। जब युवक सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं, तो वो क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा कारण है क्यूरियोसिटी। हमको लगता है कि वो उदासी में लेते हैं, उदासी एक कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जब रिसर्च की गई तो क्यूरियोसिटी इज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर यंगस्टर्स टू गो इनटू ड्रग्स। उनको वो जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है कि मुझे ये ट्राई करना है, और उसके साथ उनका पीयर प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है कि सब लोग ये सोचते हैं कि अरे ये सिगरेट स्मोक करते हैं तो वी आर कूल, दारू वारू पी लेने से वी हैव बिकम मॉडर्न, मैच्योर, कूल। तो ये सब गलत धारणाएं होती है मन में, और इन प्रेशर्स के कारण युवक उन सब चीजों में अटक भी जाते हैं। तो शारीरिक प्रेशर होता है, मानसिक प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, रिलेशनशिप का प्रेशर होता है, परस्पर आकर्षण होता है, उस समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, इमोशंस इतने बढ़ते हैं मन में, उद्वेग होता है इमोशंस का। बाकी सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग चुनना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, क्या लेना चाहिए, उसमें हम कैसे सफलता प्राप्त करें, जॉब कब मिलेगी, इतनी सारी चुनौतियां होती हैं उनके जीवन में। इन सब चुनौतियों से अगर हमें सामना करना है और सफलता प्राप्त करनी है तो बहुत शक्ति की जरूरत है, और इसीलिए आंतरिक शक्ति का विकास बहुत आवश्यक है, और इससे हमें सफलता भी प्राप्त होगी और सुख भी प्राप्त होगा। आज लोग हैं जीवन में, बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं जो सफल हैं लेकिन सुखी नहीं हैं, क्योंकि मन में इतनी शक्ति नहीं है तो शांति नहीं है, धर्म का पालन कभी किया नहीं होता, गलत रास्ते अपना लेते हैं, कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और यही सोचते हैं कि पैसा सब कुछ है, इसीलिए संबंध भी बिगाड़ देते हैं, फिर अकेलापन होने लगता है जीवन में। इन सब चीजों से अगर हमें निकलना है, इन सब में से बचना भी है, तो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आवश्यक है। अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है? अधि मतलब अंदर, आत्मा मतलब मेरा स्वरूप, मैं कौन हूं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। जैसे मैनेजमेंट में कहते हैं स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, कि मेरी शक्तियां क्या है, मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ, उस कौन से क्षेत्र में मैं निपुण हूँ, किस क्षेत्र में कुशल हूँ, क्या क्या मेरे पास स्किल्स हैं, क्या क्या मेरी अच्छे गुण हैं, ये सब मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी दुर्बलताएं क्या है, क्रोध है, काम है, लोभ है, इंद्रियों पर संयम नहीं है, अलग अलग प्रकार की दुर्बलताएं होती है। तो अपने शक्तियों को पहचानना है, अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करनी है। इसीलिए अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ, वीकन योर वीकनेस। सिंपल चीज है, हमारी शक्तियों को हम और सशक्त बनाएं और दुर्बलताओं को और दुर्बल बनाएं। लेकिन हम क्या करते हैं जीवन में? उल्टा करते हैं, शक्तियों को हम दुर्बल बनाते हैं और दुर्बलताओं को सशक्त बनाते हैं। कितने युवक हैं जो बेचारे लो कॉन्फिडेंस में ही जीते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरी क्षमता नहीं है। संबंधों में भी वो ऐसे ही सोचते हैं कई बार, और ये इसके पास तो इतने पैसे हैं, इतना शोहरत है, या इनके पास तो इतना नाम है, या फिर इतने अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, कपड़े हैं, मेरे पास तो क्या है। बहुत बार ऐसे कंपैरिजन भी करते रहते हैं। अपने आप, अपने दोषों का चिंतन ज्यादा करते हैं कि मैं तो बहुत लो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट्स नहीं है। इसको देखो, ये कितने अच्छे से नाच सकता है, उसको देखो कितने अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है, ये व्यक्ति तो स्पोर्ट्स में इतना निपुण है, मैं क्या हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं। ऐसा इतना लो कॉन्फिडेंस होता है कई बार। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, अपने वीकनेस क्या है, हमारी शक्तियां क्या है, हमारी दुर्बलताएं क्या है, उन सबको परखना पड़ता है। और ये सब चीजें जो है ना, हमको स्कूल में, कॉलेज में कोई सिखाता ही नहीं। वहां पर सिर्फ बाहरी दुनिया के सब्जेक्ट सिखाते हैं, आर्ट्स अगर ले लो तो इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ये सब सिखाएंगे, या कॉमर्स में बिजनेस है, अकाउंट्स है, टैक्स है, लॉ है। साइंस में फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, यही सब बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ हम सीखते हैं, लेकिन हमारे बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। और इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। युवा अवस्था में अगर ये ज्ञान मिल जाए तो जीवन में एक दिशा मिल जाती है, और जिस व्यक्ति को दिशा मिल गई और अपने आप में जो शक्तियां हैं उसको किस तरह उसका आवाहन करे, तो वो व्यक्ति अवश्य सफलता प्राप्त कर सकता है। तो अध्यात्म ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। स्ट्रेंथ्स मतलब हमारी शक्तियां, वीकनेस मतलब दुर्बलताएं, अपॉर्चुनिटीज। अगर हमारे मन में अध्यात्म ज्ञान है तो हम अपॉर्चुनिटीज जो जीवन में आती है उसका सदुपयोग करके सफल हो सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपॉर्चुनिटीज को पहचानते ही नहीं और वो छोड़ देते हैं उसको। सफल व्यक्ति वो होता है जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी कर सकता है और जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनके सहारे सफलता प्राप्त कर सकता है, उनको वो इग्नोर नहीं करता। आप देखिए कितने बड़े बड़े जो महान लोग हैं, उनके जीवन में जब एक विचार आता है, एक संकल्प आता है, तो उस संकल्प को वे सुदृढ़ करके उस पर काम करते हैं और उसको कार्यान्वित करते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आप देखिए कितने सारे ऐप्स जो आजकल पॉपुलर हैं, उन सब की जो स्टोरी है वो शुरू हुई होगी एक विचार के साथ, और उस विचार पर उन्होंने काम किया। फूड डिलीवरी ऐप्स इतने सारे हैं, या अकोमोडेशन के लिए अलग अलग जगह पर जब जाते हैं तो जब रूम्स बुक करनी होती है, ऐसे कितने सारे ऐप्स हैं। उनकी जो स्टोरी है, मैं ये उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत पॉपुलर है आजकल। वो कैसे उन्होंने उसको शुरू किया और कहां से कहां पहुंच गए। डिजिटल करेंसी, पेटीएम सब जब आया था तब कौन उसके बारे में सोच रहा भी था, कोई। कितने सारे लोग सोचते थे कि ये सब क्या होने वाला है, हम तो हार्ड कैश से सब काम करेंगे। लेकिन देखिए कहां से कहां पहुंच जाते हैं सब लोग, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज वो रिकॉग्नाइज करते हैं। पैंडेमिक में बहुत सारी चीजें जो हो पाई वो इसलिए हो पाई क्योंकि डिजिटल अकाउंट्स है, पेमेंट्स है, बहुत सारी चीजें सुगम हो गई क्योंकि डिजिटल करेंसी और डिजिटल के माध्यम से। तो अपॉर्चुनिटीज जब आती हैं तो उसको किस तरह हमें ग्रैब करना चाहिए। एक व्यक्ति के घर पे 2 बार नॉक नॉक हुआ, तो उसने पूछा हु इज देयर, तो जवाब आया अपॉर्चुनिटी। तो व्यक्ति ने कहा नो यू आर नॉट अपॉर्चुनिटी। तो उसने पूछा क्यों, व्हाई, तो इसने कहा बिकॉज अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक ट्वाइस। 2 बार नहीं आती, 1 बार आ जाती है, वो अगर पकड़ ली हमने तो पकड़ ली, नहीं तो वो छूट जाती है, चली जाती है। तो अपॉर्चुनिटीज कैसे रिकॉग्नाइज करनी है और हमारे थ्रेट्स क्या है, जैसे हमको सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं, डेंजर्स हैं, वो हमें बराबर परखने चाहिए। अगर हमने गलती कर दी उसमें तो फिर हम उसके शिकार बन जाते हैं। जैसे ड्रग्स आर ए थ्रेट, अल्कोहल इज ए थ्रेट। लोगों को लगता है कि वी आर वेरी कूल। आज सफलता में भी लोग दारू पीते हैं और विफलता में भी लोग दारू पीते हैं। समता का जो एप्लीकेशन है वो दारू में लगाते हैं। वो लोग हर परिस्थिति में दारू पीते हैं और अपने सेहत को खराब करते हैं और दूसरों के लिए भी कष्ट पैदा करते हैं। वो थ्रेट है, इट इज अ बिग थ्रेट। ड्रग्स आर ए थ्रेट, नॉन वेजिटेरियन फूड समटाइम्स इज ए थ्रेट टू द हेल्थ। तो हमको ये सब परखना चाहिए और युवावस्था में अगर हमने इसको परख लिया तो कितनी सारी चीजें बच सकती है और कितनी सारी चीजें बन सकती है। आप देखिए कितने जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने युवावस्था में उनका समय कैसे उपयोग में लाया और किस तरह उन्होंने सफलता प्राप्त की। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, इतना उन्होंने मेहनत किया। उनके जीवन को अगर आप पढ़ेंगे, जीवनी अगर आप पढ़ेंगे, इतने गरीब थे। रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी मछुआरे थे और उनका परिवार इतना बड़ा, 12 भाई बहन थे। फुटपाथ के नीचे बैठकर पढ़ते थे, लेकिन उनके मन में संकल्प आया मुझे पायलट बनना है और अथक प्रयास किया उन्होंने। पायलट नहीं बन पाए और बहुत निराश हो गए थे क्योंकि वो विजन टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए। तब उन्हें स्वामी शिवानंद जी का सत्संग मिला और शिवानंद जी ने उनको जब देखा तो पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे पायलट बनना था लेकिन मैं नहीं बन पाया। तब शिवानंद जी ने 2 चीजें कही। पहला, उन्होंने एक तमिल कोटेशन बताया उनको जिसका अर्थ है डिफीट द डिफीटिस्ट इन यू। आपके मन में जो ये निराशा की भावना है उस पर विजय प्राप्त करो। एक आवाज है हमारे मन में जो हमेशा में कहता है कि तुम तो नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम कहाँ इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर सकोगे, तुम तो इतने साधारण हो। ये जो नकारात्मक एक आवाज है हमारे मन में, उन्होंने कहा उसका सबसे पहले दमन करो, डिफीट द डिफीटिस्ट इन यू। और दूसरी बात उन्होंने कही कि सो व्हाट इफ यू कुड नॉट बिकम अ पायलट, यू कैन बिकम ग्रेटर। पायलट नहीं बन पाए तो क्या हुआ, और बहुत सारी उच्च अवस्थाएं हैं जिसको तुम प्राप्त कर सकते हो, उच्च लक्ष्य है जिनको तुम प्राप्त कर सकते हो। और आप देखिए अब्दुल कलाम जी ने क्या प्राप्त नहीं किया। वो पायलट नहीं बन पाए लेकिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन गए। और एज अ प्रेसिडेंट ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस। आप देखिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। तो कहां से कहां पहुंच गए। और अगर आप देखेंगे उनके जीवन में आध्यात्मिकता की नींव इतनी सुदृढ़ है। अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे इग्नाइटेड माइंड्स, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, खासकर हमारे देश को, भारत को, 20 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी कि भारत को अगर एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट उसमें उन्होंने कहा इंटीग्रेट स्पिरिचुअलिटी इनटू एजुकेशन। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें हमें आध्यात्मिकता को वापस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि तब अंतरिक्ष अंतर शक्ति आती है। तो आप बहुत सारे लोगों के जीवन ही आप देख लीजिए, उनके जीवन में एक आध्यात्मिक नींव बहुत दृढ़ होती है, तब वो धर्म के आधार पर इतना अच्छा योगदान देते हैं देश के लिए, और उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत बनता है सबके लिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम गीता पढ़ते थे हर रोज। आप देखिए, सुनीता विलियम्स जब गई थी स्पेस में तो 3 चीजें लेकर गई थी, एक है गणेश जी, एक है गीता और एक है समोसा। 3 चीजें। बहुत सारे लोग आप देखिए जिनके जीवन में अध्यात्म की नींव होगी ही। तो इसीलिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्या है सफलता के लिए? एक तो हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करें, दूसरा हमारी जो वीकनेस है उसको हम परखें और उस पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि कई बार हमको अपनी वीकनेस का भान भी नहीं होता। अहंकार सबसे बड़ी दुर्बलता है, स्वार्थ सबसे बड़ी दुर्बलता है। हमको लगता है कि स्वार्थी होने से हम सफल हो जाएंगे, लेकिन स्वार्थी होने से सफल कुछ हद तक हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत तनाव आता है। लेकिन जो निस्वार्थ होता है वो कितना कुछ प्राप्त कर लेता है, सुखी भी होता है, दूसरों को भी सुखी करता है। डॉक्टर कलाम का ही उदाहरण आप ले लीजिए, कैसा है उनका जीवन चरित्र। टाटास को आप देख लीजिए, टाटास आज कहीं पे भी आपको बिलियनर्स लिस्ट में टाटा का नाम ऊपर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 68% जो भी उनकी संपत्ति है वो सब चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओस में अलग अलग जगह पर देश के कार्य के लिए, विश्व के कार्य के लिए, कल्याण के लिए समर्पित है। ताज होटल पर जब यहाँ पर इतना बड़ा आक्रमण हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने किस तरह पूरी होटल को वापस रिपेयर करवाया और सब जो एम्प्लॉइज थे उनका उनकी देखभाल की, उनके परिवार के लिए जो कुछ करना था सब कुछ किया। इतनी नम्रता के साथ उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया है। सफल भी है, नम्र भी है, क्योंकि उनके जीवन में आध्यात्मिक एक शक्ति है, और उस आध्यात्मिक शक्ति के कारण वो निस्वार्थ होते हैं जीवन में। तो निस्वार्थता होनी चाहिए। स्वार्थ एक बड़ी दुर्बलता है, अहंकार बहुत बड़ी दुर्बलता है। बहुत ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं जो आध्यात्मिकता के कारण वो सफल बने हैं। तो और इसीलिए आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता है। अपनी शक्तियों का हमें उसको और सुदृढ़ बनाना है, अपनी दुर्बलताओं को परखना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन पर विजय कैसे प्राप्त करनी है? कोई सिखाता है क्या? कोई स्कूल में सिखाते हैं कि किस तरह हमको अपने क्रोध पर काबू प्राप्त करना चाहिए? कोई नहीं सिखाता। किस तरह हमको अपने मन में जब काम उत्पन्न होता है तो हमें उस काम का किस तरह उसको हमें उसका दमन करना है और उसको प्रेम में परिवर्तित करना है? कोई नहीं सिखाता। हाउ टू ट्रांसफॉर्म लस्ट इनटू लव। आप देखिए सोसाइटी में क्या हो रहा है, इतने केसेस होते हैं रेप के, मर्डर के, विमेन मोलेस्टेशन के। इतना सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एक मानसिकता है जो होनी चाहिए, एक आदर होना चाहिए, एक अच्छी भावना होनी चाहिए मन में दूसरों के प्रति, वो नहीं है। और जो हम देखते हैं मीडिया में, मूवीज में, टेलीविजन पे या ब्राउजिंग जो करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, उन सब में ऐसे ही अश्लील चीजें कई बार दिखाई जाती है कि जब युवक के मन में विवेक होता नहीं तो उन चीजों के कारण वो एकदम काम का उद्वेग हो जाता है मन में। तो सही समय पर अगर आध्यात्मिकता के बीज बो दिए जाए तो कितना आनंद होगा जीवन में। आप देखिए रिलेशनशिप्स में इतना तनाव क्यों होता है, एक दूसरे से इतना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो स्वार्थ की वजह से होता है, आसक्ति की वजह से होता है। और कोई हमें सिखाता नहीं कि हमें अनासक्त कैसे जीना चाहिए। आध्यात्मिकता में वो सीखते हैं हम। और आज आप देखिए अनासक्ति के बारे में बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी का इंटरव्यू आप देख लीजिए, जब उनको पूछा गया कि आप सफलता के लिए अगर आपको युवकों को एडवाइस देना है तो आप क्या उनको कहेंगे? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि आप अपना कार्य करो और जो कर्म का फल है उसके ऊपर आप आसक्त मत हो जाओ। एक सफलता आपको प्राप्त करनी है, एक लक्ष्य आप रखो, लेकिन उस लक्ष्य को रखने के बाद जो आपका कर्तव्य है उस पर ज्यादा ध्यान दो। बी एक्शन ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट जस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड। यही तो हम सिखाते हैं अध्यात्म में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इतना महत्वपूर्ण है और आज बाकी सब लोग ये कर रहे हैं और हम अपने ही युवकों को इन सब से वंचित रखना चाहते हैं कई बार, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं नहीं ये सब आवश्यक नहीं है। लेकिन सफल लोगों का जीवन आप देखिए, ये जो वीडियो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, महेंद्र सिंह धोनी जी का जो वीडियो है वो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास एक है, उनके बहुत सारे अलग अलग वीडियो हैं जिसमें वो बहुत सारी आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है। My only suggestion or advice would be, which I keep saying in all the interviews that I give, process is more important than the result. Result is a byproduct of the process. But in today's world, we are so much focused about the result that we get away from the process. So take care of the process, you know, take care of all the small things and eventually you'll get the desired result. You know, we always keep complaining, oh, we should have gotten more and all of that, but it's actually the byproduct of what we have done. So if you prepare well, if we execute well, and you know, if we are honest to ourselves, more often than not, we'll get the desired result. If there's a shortcoming, it's always a learning. It's all the best. इतना सिंपल वीडियो है ना, और ये वो अप्लाई करते हैं, इसीलिए उनको कूल कैप्टन कहा जाता है। इतने ठंडा दिमाग है उनका, इतना ठंडा दिमाग किसी भी परिस्थिति में, और कितने सारे मैचेस जिताए हैं भारत के लिए उन्होंने। तो ये चीज है, अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें, आध्यात्मिक जो प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, साधनाएं जो हैं, अगर हम धीरे धीरे उसको अपनाना शुरू कर दें तो हमारा भी मन शांत हो सकता है, निस्वार्थ हो सकता है। और ऐसे शांत और निस्वार्थ मन में जो क्षमता है वो उभर कर आती है, बुद्धि तीव्र हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, और जो हम पढ़ते हैं वो हम याद भी रख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारी एक जीवन में एक उच्च लक्ष्य आ जाता है, एक उत्कृष्ट दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो आध्यात्मिकता बहुत आवश्यक है। जैसे हम अलग अलग बाकी जो विटामिन होते हैं ना, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ऐसे बहुत सारे विटामिन होते हैं, ऐसे हमको हमारे लिए विटामिन एस भी बहुत जरूरी है। विटामिन स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है, ये हर रोज एक एक डोज विटामिन स्पिरिचुअलिटी का लेना चाहिए। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम भागेंगे विटामिन एम के पीछे, मनी 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 मनी, और वो मनी के पीछे भागते भागते हम अकेले पड़ जाते हैं। कितने सारे लोग छूट जाते हैं, इतना सारा जो हमको तनाव हो जाता है, अकेलापन महसूस होता है, वो सब की आवश्यकता ही नहीं है जीवन में। अगर हम नियमित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान का सेवन करें, आध्यात्मिक साधना करें, तो हम अपने कर्तव्यों को कुशलता से कर सकते हैं। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम। योग क्या है? अपने कर्म में कुशलता प्राप्त करना, उसी को योग कहते हैं। और ये कुशलता क्या है? समता है। मन समता की अवस्था में आ सकता है, और उस समता की अवस्था से जब हम कार्य करते हैं तो हर चीज में हम उत्तीर्ण होंगे, सफलता ही हमको प्राप्त होगी। और अगर विफलता भी आई हमारे जीवन में तो उस विफलता का भी सामना धैर्य के साथ कैसे हम करें, ये हमको अध्यात्म ज्ञान सिखाता है, कोई और सिखाता है हमको? सिर्फ वो लोग कह सकते हैं कि फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, उतना ही बोल सकते हैं। लेकिन भावनाओं को किस तरह हम संचालित करें जब हमको विफलता प्राप्त होती है? कितने सारे जो लोग हैं वो विफलता का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार कुछ परसेंटेज नहीं मिले तो आत्महत्या कर लेते हैं, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, या कोई जॉब नहीं मिला, या कोई प्रमोशन नहीं मिला, इसमें इतने मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि अंदर एक शक्ति नहीं है। विफलताएं तो आती रहेंगी जीवन में, सफलता विफलता एक के बाद एक आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमको किस तरह इन सब से जूझकर अपने जीवन में जो हमें प्राप्त करना है वो करना है। वो एक ध्रुति आनी चाहिए जीवन में, वो आध्यात्मिक ज्ञान से आती है। तो अपने शक्तियों के संचार के लिए, दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, जो जो हमारी अपॉर्चुनिटीज है उसको परखने के लिए, जो हमारे लिए थ्रेट्स है उन सब से बचने के लिए क्या कोई सिखाता है क्या? इंद्रियों का संयम करके जीना चाहिए? कोई नहीं सिखाता। सब तो यही कहते हैं कि इंद्रियों का संयम तो करो ही मत, खाओ पियो मौज करो, जो करना है करो। लेकिन युवा ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें सबसे ज्यादा शक्ति हमें प्राप्त होती है। बचपन में और बुढ़ापे में इतनी शक्ति हमें प्राप्त नहीं होती जितनी युवा अवस्था में होती है। उस समय जो हम करते हैं अपनी शक्तियों के साथ, उससे हमारा जीवन बन जाता है। और ये नहीं कहते अध्यात्म ज्ञान में कि कोई जीवन का आनंद ही मत लो, सब कुछ सप्रेस करके बैठ जाओ। नहीं नहीं, निर्भय कैसे होना वो अध्यात्म ज्ञान में सिखाते हैं। हम कई बार युवकों को कैंप्स में भी ले जाते हैं, चिन्मय युवा केंद्र में, वहां पर रैपलिंग कराते हैं, राफ्टिंग कराते हैं, वैली क्रॉसिंग कराते हैं, बहुत सारी एडवेंचर की चीजें भी कराते हैं, बाइक रैलीज पर ले जाते हैं। उसके बाद कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। अब जैसे 15 अगस्त आने वाली है, उसके लिए अलग अलग चीजें अपने देश के लिए जो हमें भावना होनी चाहिए, वो देशभक्ति का संचार कैसे हो, आर्मी के साथ सेशंस किए जाते हैं। कई बार उनको बॉर्डर पर ले जाते हैं, जो वाघा बॉर्डर है। अलग अलग हमारे जो देश में जब हम जाते हैं, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में, तो वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो एक अलग प्रकार का एक लर्निंग होता है इन सब चीजों में। तो आध्यात्मिकता केवल क्लास में बैठकर सिर्फ पढ़ना या केवल माला जपना इस तक सीमित नहीं है। ये सब चीजें आध्यात्मिक ज्ञान में आ जाती हैं। देश के प्रति समर्पण, अपने संस्कृति के प्रति समर्पण, अपने कर्तव्य हमें क्या करने चाहिए, किस तरह बड़ा सोचना चाहिए, ये सब आ जाता है अध्यात्म ज्ञान में। और जो चिन्मय युवा केंद्र में आते हैं उनको तो ये सब बहुत अनायास प्राप्त हो जाता है। कितने युवक हमको कहते हैं कि स्वामी जी यहाँ पर जो हमने सीखा, इतनी अनायास रूप में हमको आपने सब ये सब सिखा दिया। यही सब अगर हम कोर्स करने जाएंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स, पैसे ही इतने सारे देने पड़ते हैं। और उतना सब करने के बाद भी कई बार व्यक्ति में निर्भयता आती नहीं, क्षमता आती नहीं। तो इसलिए अध्यात्म ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और ये डर अपने मन से निकाल ही देना चाहिए कि अगर मेरा बेटा अध्यात्म ज्ञान में चला गया, मेरा बच्चा, बेटा बेटी जो भी है, अगर वो अध्यात्म ज्ञान में चले गए तो वो तो साधु बन जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला ऐसे साधु बनना इतना आसान नहीं है। और अध्यात्म ज्ञान जो हम सिखाते हैं, वो हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि ये सब छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ। हम तो यही सिखाते हैं आप जो कर रहे हैं वो अच्छी तरह करें, उसमें आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप में कार्यकुशलता कैसे बढ़ सकती है, आप में अनासक्ति कैसे बढ़ सकती है, ताकि आप उतने ज्यादा सुखी हो सकते हैं, और परमानंद को कैसे हमें प्राप्त करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है। कितने युवकों को पता ही नहीं होता कि हम जी क्यों रहे हैं। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, किस तरह हमें उसकी ओर अग्रसर होना है। अर्थ जो है वो सबसे पहली चीज है जो हमारे 4 पुरुषार्थों में कही गई। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। मोक्ष आखिरी चीज है। तो इसलिए ये बिल्कुल मत समझिए कि अगर अध्यात्म में आ जाएंगे तो ये अर्थ और काम से विमुख हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा ऐसे। लेकिन इन दोनों को धर्म के आधार पर कैसे प्राप्त करें, सुख कैसे प्राप्त करें, सेवा हम कैसे करें, अपने जीवन को एक प्रभावशाली जीवन कैसे बनाएं, ये सब अध्यात्म ज्ञान का महत्व है। और इसीलिए जो हम पेरेंट्स हैं, हमको अगर ये समझ में आ गई बात, जिस तरह आप हर अपने बच्चे के लिए हर प्रकार की सुविधा देना चाहते हैं, उनको 3 बार दिन में खाना अच्छे से मिलना चाहिए, जो आवश्यकताएं हैं वो सब आप पूरी करते हैं, इसी तरह अध्यात्म ज्ञान भी आवश्यक है, ये समझ लेना चाहिए। और हफ्ते में 1 बार केवल आना होता है, चिन्मय योग केंद्र का क्लास हफ्ते में 1 बार होता है। और कुछ कुछ टाइम पर प्रोजेक्ट्स होते हैं या कोई इवेंट्स होते हैं, जैसे 15 अगस्त का भी कोई प्रोग्राम होगा तो अगले रविवार को, अब ये जो रविवार है 8 तारीख को एक छोटी मीटिंग होगी, उनमें सबको कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व तो दिया जाएगा कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो लोग टीम बिल्डिंग सीखते हैं, लीडरशिप स्किल सीखते हैं, काम साथ में कैसे करना सीखते हैं, परफॉर्मेंस जब देना होता है तो अभिव्यक्ति कैसे होती है वो सब सीखते हैं। तो बहुत सारी लर्निंग होती है। तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए अध्यात्म ज्ञान बहुत आवश्यक है। और आप यहाँ पर जो बद्रीश जी हर रविवार को जब क्लास लेते हैं तो सिंसियरली अगर आप भेजें युवकों को तो ऐसी किताबें हम लेंगे जैसे टूवर्ड्स ग्रेटर सक्सेस है, टिप्स फॉर जॉयफुल लिविंग है, आई लव यू लेटर्स हैं, जो युवा संबंधी उनके जीवन में उनको जिससे लाभ हो ऐसी टेक्स्ट हम लेंगे, ऐसे विषय हम लेंगे। तो आप देखेंगे अपने आपके युवकों में एक बहुत परिवर्तन अच्छे से आ जाएगा। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा विचार करें, बद्रीश जी के साथ भी बात करें और जितना हो सके अपने युवकों को प्रोत्साहित करें। अध्यात्म ज्ञान उनको उसमें आप लगाइए, उनके लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा और राष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा। यहीं पर मैं विराम करूंगा और किसी को जो कुछ प्रश्न हो, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। कोई शंका हो या कोई समाधान आपको प्राप्त करना हो, अगर आपको कोई चैलेंजेस हो यूथ के विषय में, आप पूछ सकते हैं। वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हाँ, माय नेम इज अब्दुल, आई एम अ पेरेंट। एक्चुअली आपका ये प्रवचन काफी अच्छा था, बहुत सारे पॉइंट्स आपने टच किए जो कि आज जरूरी युवा वर्ग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो लोग उस पर ध्यान रखेंगे तो। बट आजकल का एक कॉमन प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि मोबाइल एंड लैपटॉप एंड किड्स आर सो एडिक्टेड टू इट। अभी ठीक है, पैंडेमिक के कारण लास्ट 2 साल से दे डू नॉट हैव अदर ऑप्शन। बट क्या होता है कि वो होने के बाद देन यूट्यूब देखना है, टिकटॉक, सो मेनी एप्स आर देयर, सो दे गेट, एंड उस फ्रेंड सर्कल में तो डिस्कशन वही होता है। सो ये एक बड़ा चैलेंज हो गया है। सो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, बहुत ये आप जो कह रहे हैं वो बात तो सही है कि उनको बहुत उसका एडिक्शन तो हो ही गया है। और इसीलिए हमको ये सोचना है कि उनको जो माध्यम अपील हो रहे हैं उस माध्यम से हम कैसे, हमें जो उनको देना है वो हम दे सकें। इसीलिए बहुत सारी चीजें जो होती है, जैसे युवक लोग रील बनाते हैं, तो कई बार हम रील मतलब जो टिकटॉक पर या जो इंस्टाग्राम पे जो 30 सेकेंड 15 सेकेंड्स की जो रील्स आती है ना, वो लोग बनाते हैं। तो उसके द्वारा हम उनको प्रेरित करते हैं कि भाई आप इस ऐसे ऐसे विषय पर आप रील बनाइए, तो उसके लिए फिर उनको चिंतन करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। हमको उसके जो एडवांटेजेस हैं वो यूज करके उसके माध्यम से उनको स्पिरिचुअलिटी देनी है, और धीरे धीरे जब वो आने लगे तब उनको ये भी समझ में आएगा कि ये तो एक प्रकार का एडिक्शन है, और उस एडिक्शन से जब हम मुक्त होते हैं और कुछ समय अपना टेक्नोलॉजी के बिना बिताते हैं तो कितना फर्क महसूस होता है हमको। तो ये सब समझने के लिए भी उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, क्योंकि एक चीज जो है वो हमने देखी है कि युवकों के लिए पीयर प्रेशर बहुत जरूरी है। जो सब अपने उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं वो भी वही करते हैं। तो अगर बहुत सारे फ्रेंड्स ना भी आ सके, कुछ लोग भी अगर आ जाते हैं आध्यात्मिक क्लास में और उस समय वो जो डिस्कस करते हैं उससे उन पर प्रभाव होता है, उस समय फोन साइड में होता है, और फिर वो उसका अनुभव जब उनको होता है तब फिर वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको शेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे युवक जो हैं वो इंस्टाग्राम पे हमारे मिशन के पेजेस चलाते हैं। जैसे आप देखेंगे चिन्मय योग केंद्र मुंबई है, चिन्मय योग केंद्र नवी मुंबई है, और इंस्टाग्राम पर आप जाके देखें तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने वहां पर जो उन्होंने सीखी हुई है वो अपने दूसरे युवकों के साथ वो शेयर करते हैं। तो वो रील बनाने के लिए उनको बहुत चिंतन करना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे एक जगह पर दूसरे अध्याय, गीता के दूसरे अध्याय में जो लैडर ऑफ फॉल है कि व्यक्ति का पतन कैसे होता है, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा एक रील बना के डाला हुआ है। तो उसके लिए उनको चिंतन करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमने उनका जो मन है वो एक अलग दिशा में लगा दिया है, और अब उनको समझ में आ चुका है कि भाई ये तो एडिक्शन होना अच्छा नहीं है, इसका हमको उपयोग करना है, ये हमारा उपयोग ना करें। अब ये सब चीजें जब वो समझ जाते हैं ना तो धीरे धीरे वो उसमें से निकल भी जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, लेकिन आसक्ति उनकी कम हो जाती है क्योंकि उनको एक आनंद का एक उच्च स्रोत मिल जाता है। दे हैव फाउंड अ बेटर वे ऑफ एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस। तो वो सत्संग से होता है, वो ऐसे लोगों की कंपनी से हो जाता है। ओके स्वामी जी, थैंक यू। हरिओम। हेलो, हरिओम स्वामी जी। सुहास बोल रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था, अभी क्या हो रहा है कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रंस टू द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, तो उसके कारण जो एक हमारा बेसिक या फिर जो नॉर्मल हमारा जो रूटीन में रहता है, जो आध्यात्मिकता जो रहती है नॉर्मल हमारे रूटीन में, वो कहीं जाके लुप्त हो रही है वो चीज़ में, क्योंकि उधर वो स्कूल में जो जाते हैं उनको वो नहीं सिखाया जाता जो सिखाना चाहिए। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? दो चीजें हैं। सबसे पहले एक है कि वो हम जो कर रहे हैं नॉर्मल रूटीन में, अगर हम कुछ पूजा कर रहे हैं या कोई जप कर रहे हैं या कोई और भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति कर रहे हैं या उपवास कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले उसका महत्व क्या है, साइंटिफिक बेनिफिट क्या है, उसके पीछे जो उसका जो रीजनिंग है कि हम वो क्यों कर रहे हैं, वो हमको भी समझना है और युवकों को भी समझाना है, तब वो ज्यादा रिसेप्टिव होंगे उसको अप्लाई करने के लिए। जैसे अगर आप देखेंगे 2018 या 19, मुझे याद नहीं कौन सा वर्ष था वो, 2018 या 19 में जो मेडिसिन के में जो एक नोबेल पीस प्राइज मिला, जो साइंटिस्ट को, कोई जापानी साइंटिस्ट है, उनको वो प्राइज क्यों किसके लिए मिला कि उन्होंने ये खोज की कि 15 दिन में एक बार अगर व्यक्ति उपवास करता है तो उसके शरीर में टी सेल्स बढ़ जाते हैं, और वो टी सेल्स जब बढ़ते हैं तो कैंसर के अगेंस्ट वो फाइट करने में बहुत बड़ी उसकी एक भूमिका है। अब उसके लिए उनको वो नोबेल पीस प्राइज मिला। जो हमारे शास्त्रों में तो बहुत सुगमता से एकादशी व्रत के रूप में हमको सिखा दिया अपने पूर्वजों ने, तो वो एकादशी व्रत का महत्व हम वो केवल आध्यात्मिक कथाओं के द्वारा लोगों को कहते हैं, जिसमें लोगों को जो भावना होती है वो मान लेते हैं, लेकिन जिसको तर्क चाहिए, जिसको लॉजिक चाहिए, साइंस रीजनिंग चाहिए, उनको फिर वो अपील नहीं होता। बोले यार क्या 15 दिन में हर बार आपको एकादशी का व्रत करते हो, फिर खाना नहीं खाते ठीक से, या फिर उपवास करते हो या भजन करते हो, ये इन सब की क्या जरूरत है। लेकिन साइंटिफिकली अगर आप दिखा दें, लाइक गायत्री मंत्र का उच्चार है कि सूर्य को हम अर्घ्य क्यों देते हैं। आज पूरी दुनिया में आप देखिए इतना बड़ा क्रेज है सन वर्शिप, सन वर्शिप, सन वर्शिप करके। अरे हमारे यहाँ पर सबसे पुरानी है ये परंपरा, गायत्री मंत्र का उच्चार करो, सूर्य को देखकर अर्घ्य प्रदान करो। अब उसको हमको जब साइंटिफिकली, जो आज गायत्री परिवार ने और बाकी कई अलग संस्थाओं ने रिसर्च किया है, उसका जो प्रभाव है, वो सब हम जब सिखाते हैं अपने बच्चों को, तो उसके कारण उनमें एक परिवर्तन आता है, वो भी उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये पहली बात है कि उसका कारण उनको अच्छे से समझाना चाहिए। और इसलिए जो स्कूल में नहीं सिखाते हैं वो हमको सप्लीमेंट के रूप में देना पड़ता है। इसीलिए बाल विहार के क्लास है या शिशु विहार है, बचपन से सिखा देते हैं ये सब। और जैसे जैसे वो युवा होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा साइंस, लॉजिक, रीजनिंग वो ऐड करते हैं। आप फूड में भी देखिए ना, जो हम खाते हैं उसमें विटामिन सब नहीं होती, इसलिए फिर हमको सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती है ना। इसी तरह इसमें भी अध्यात्म ज्ञान और संस्कृति का ज्ञान अगर स्कूल में नहीं दे रहे हैं तो हमको सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो हम उनको जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो अपीलिंग होना चाहिए उनको। इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग एंड अपीलिंग फॉर देम टू फॉलो। वो उनके स्तर के हिसाब से होना चाहिए। जैसे हम बच्चों के लिए अलग चीजें सिखाते हैं, साधनाएं अलग होती हैं, उनके लिए भजन होते हैं, क्राफ्ट होती है, श्लोक चैंटिंग होता है, वो बच्चों के लिए अलग चीजें हैं। तो युवकों के लिए अलग चीजें हैं। अगर आप युवक को बोलेंगे कि तुम घंटों बैठकर जप करो या ध्यान करो, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना मन शांत नहीं है। कुछ लोग कर पाएंगे, ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। तो उनको डायनामिकली स्पिरिचुअल नॉलेज देना है हमको, और वो फिर रूटीन में भी धीरे धीरे आ जाते हैं जब वो समझ जाते हैं। तो इसलिए हमारे गुरुदेव ने क्या किया, जो मोटो दिया है चिन्मय युवा केंद्र का, उसका मोटो क्या है, हार्नेसिंग यूथ पोटेंशियल थ्रू डायनामिक स्पिरिचुअलिटी। डायनामिक स्पिरिचुअलिटी उनको देनी है, पैसिव स्पिरिचुअलिटी नहीं देनी है। और तीसरी बात यह है कि धीरे धीरे उनको ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम करोगे तभी हम सब उसमें भाग लेकर उसमें कर सकते हैं। यूथ नीड मोर, उनको people need to trust the youth more and give them more responsibilities. कुछ गलतियां हो गई तो भी क्या होगा, उसी से तो सीखेंगे। तो अगर उनके ऊपर उत्तरदायित्व डाल दिया कि ये तुम ऑर्गेनाइज करो, कि ये फेस्टिवल है हमारी, जैसे अभी कोई गणेश चतुर्थी जब आएगी तो ये तुमको ही पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करना है, अच्छे से उसका महत्व जानकर, तो फिर वो इनिशिएटिव लेंगे, वो करेंगे, रिसर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो सब अच्छे से करेंगे फिर वो। So we have to trust them and we have to make them responsible and help them to do it. Yeah, my suggestion is that is how we can involve the youth. ऐसे हम युवा केंद्र में जब आए तो बहुत सारी चीजें हमने ऐसे ही सीखी। हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि भाई तुमको ये कैंप ऑर्गेनाइज करना है, तुमको ये फेस्टिवल सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करना है, या इंडिपेंडेंस डे के लिए तुमको ये कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, या फ्लैग होस्टिंग ऑर्गेनाइज करना है। सो फिर वो धीरे धीरे दे स्टार्ट लर्निंग ऑल दोज थिंग्स, और जो उनको फिर अच्छा लगता है वो डेली फॉलो भी करना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई प्ले के लिए हमने उनको ट्रेन किया था सूर्य नमस्कार करने के लिए, तो प्ले के लिए उन्होंने सूर्य नमस्कार किया, 1-2 महीने तक सूर्य नमस्कार किया, उन्होंने सीखा अच्छे से, और वो प्ले में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। उसके बाद वो उनके जीवन की शैली बन गई कि उनको सूर्य नमस्कार से इतना अनुभव, इतना लाभ हुआ, वो करने लगे फिर हर रोज बहुत सारे युवा। तो ऐसे फिर हो सकता है ये। और एक चीज वापस मैं यही कह रहा हूँ कि ये पीयर प्रेशर बहुत होता है, इसलिए वो कंपनी जब उनकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो अकेले करने में कभी कभी उनको संकोच होता है, लेकिन वो देखते हैं कि मेरे साथ 10 युवा हैं जो ये करने में उनको संकोच नहीं है, तो फिर वो करना शुरू कर देते हैं। तो वही जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनको हमको पॉजिटिव करना है, जो पीयर प्रेशर उनको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है वही पीयर प्रेशर हमको पॉजिटिवली लेके उनको इंस्पायर करना है। थैंक यू स्वामी जी। हरिओम। ठीक है बद्रीश जी, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। हरिओम। ब्रह्मचारी बद्रीश चैतन्य का सभी को नमस्कार। मैं अपने चिन्मय मिशन कुड़सड़े गोवा से और अपने चिन्मय युवा केंद्र कुड़सड़े गोवा की तरफ से अपने परम पूज्य स्वामी स्वात्मानंदा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका जो व्यस्त जीवन है उसमें उन्होंने हमें थोड़ा समय दिया और स्वामी जी मुझे यह प्रवचन बहुत ही अच्छा लगा, मेरे लिए भी ज्ञान की वृद्धि हो गई। और आशा है कि जो पेरेंट्स बैठे हैं उन्हें पसंद आया होगा। और मैं पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने यह समय दिया है हमारे लिए, उन्हें भी धन्यवाद। विशेष करके एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि सभी पेरेंट्स अभी सुन रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए एक अनाउंसमेंट यह है कि कल शाम को 7 से 8 बजे जूम मीटिंग होगी और एक जूम मीटिंग होगी। उसमें युवक यानी उनकी आयु 13 साल से 13 इयर्स से 28 इयर्स, 8 स्टैंडर्ड से 28 इयर्स तक जो युवक है उनके लिए जूम मीटिंग होगी और हिंदी में प्रवचन होगा, टॉक होगा। और अपने परम पूज्य स्वामी स्वात्मानंदा जी वह प्रवचन करेंगे। विषय है सफलता के लिए आध्यात्मिकता। आज का जो विषय है वही कल होगा, पर युवक लोगों के लिए स्वामी जी बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, कुछ अलग पॉइंट्स बता के। तो जूम मीटिंग होगी कल शाम को 7 से 8 बजे। तो आप अपने युवक जो है उनसे कहिए कि जूम ऐप आप लोड कर लीजिए और आपको हम जूम लिंक भेज देंगे। और अभी भी जो चैट बॉक्स है उसमें जूम लिंक शायद आ गई होगी, वो लिंक आप कॉपी कर सकते हो और आज या कल हम आपको जूम लिंक भेज देंगे। वो युवक लोगों के लिए सत्र होगा 13 इयर्स से 28 इयर्स तक। और स्वामी जी हिंदी में प्रवचन करेंगे। तो फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हरिओम, धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।